दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया मुलाकात करने के लिए। और इस मुलाकात के मायने हैं क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दो दिन के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद से हर किसी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में नए सीएम का नाम चौंकाने वाला होगा, सूत्रीय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो भी नाम सामने आएगा वो चौंकाने वाला होगा, यानी कि जो लिस्ट में नाम है क्या उनसे अलग होगा, ये भी सवाल उठ रहा है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नाम है जो हर किसी को चौंका सकता है, और इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है और सबके मन में कल जो सीएम का ऐलान था वो भी चौंकाने वाला था, उसके बाद से ही यही सवाल है कि दिल्ली की गद्दी पर अब कौन बैठेगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नाम बहुत चौंकाने वाला होगा। देखिए, कई सारे नामों पर चर्चा हो रही है। ये बात तो आ रही है कि कोई ऐसा वरिष्ठ नेता बनाया जाए जो कहीं ना कहीं दो महीने या तीन महीने का जो कार्यकाल है उसको संभाल सके, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नाम हो जो बेहद नया हो, चौंकाने वाला हो। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार जो है वो चीज़ें बदली, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद जो है वो सीधे तौर पर ये फैसला लेना कि वो दिल्ली की सत्ता में नहीं रहना चाहते, वो फिलहाल सीएम पद छोड़ रहे हैं, कोई नया मुख्यमंत्री जो है बनाया जाएगा, दिल्ली के तमाम विधायक इस बात का फैसला करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से किस नए नाम पर चर्चा की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब ये फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया होगा कि उनको इस्तीफा देना है, उसी समय कोई ना कोई नाम तो उनके जहन में चल रहा होगा, उसके बाद ये तय किया गया होगा कि अब ये मेरी जगह रहेंगे। अब ये बात रहेगी कि कल विधायकों की बैठक में उस नाम को आगे रखा जाएगा, विधायक निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा रखे उस नाम को, प्रस्ताव को मानेंगे और फिर अगला सीएम कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लगातार अभी कैबिनेट में भी हैं, उनके नामों पर चर्चा की जा रही है, कुछ नए नामों पर भी चर्चा की जा रही है। एक आध दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, अगले 12 से 24 घंटे के अंदर। लेकिन अभी जो थोड़ी देर में मीटिंग होनी है वो मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, नाम पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो परिस्थितियां बदली हैं अगले 48 घंटे की, जो रूपरेखा आम आदमी पार्टी ने कल दी थी, ये स्पष्ट समझाता है कि दिल्ली की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल है, बदलाव है और जो बीजेपी लगातार